मनुष्य अपने जीवन काल में जानी अनजानी अथवा अपनी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार के दुष्कर्म करता है। इन कर्मों को हिंदू धर्म में पाप कर्म कहा गया है, अर्थात वे कर्म जिनसे किसी दूसरे प्राणी को दुख पहुंचता है अथवा उसका किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, वे सभी कर्म पाप कर्म कहलाते हैं। उदाहरण के लिए किसी की हत्या करना, चोरी करना, पराए पुरुष अथवा पराई स्त्री से गलत संबंध बनाना, इन सब कर्मों को पाप कर्म की श्रेणी में रखा गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को अपने प्रत्येक कर्म का परिणाम कभी न कभी भोगना ही पड़ता है। अर्थात पुण्य कर्मों का फल शुभ होता है, लेकिन पाप कर्मों का फल अत्यंत ही दुखदायी होता है। ऐसे में जब मनुष्य का अंतिम समय नजदीक आता है तो वह अपने पाप कर्मों के परिणाम से डरने लगता है और सोचने लगता है कि काश हम किसी प्रकार अपने पाप कर्मों को पुण्यों में बदल सके, काश हम पुण्य कर्मों के द्वारा अपने पाप कर्मों को काट सकते। तो क्या दोस्तों, हम पुण्य कर्मों के द्वारा अपने पिछले पाप कर्मों को काट सकते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए सुनते हैं एक राजा की यह सुंदर कहानी। प्राचीन समय में किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही पापी और स्वभाव से अति क्रूर था। वह अपनी भोली भाली प्रजा से धन लूटता और उन पर अत्याचार करता था। इस प्रकार उस राजा ने अपने जीवन काल में बहुत से पाप कर्म किए। धीरे धीरे राजा की वृद्धावस्था आने लगी और एक दिन उसके दरबार में एक पहुंचे हुए संत पधारे। संत ने राजा के क्रूर स्वभाव के बारे में बहुत सुना था। राजा ने संत का उचित सत्कार किया। तब संत ने राजा को कर्म फल के बारे में समझाते हुए कहा, हे राजन, मनुष्य को अपनी शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल एक दिन भोगना ही पड़ता है। इसलिए हे राजन, अब तुम अपने पाप कर्मों को छोड़कर कुछ अच्छे कर्म करो, क्योंकि पाप कर्मों का परिणाम बहुत ही दुखदायी होता है। संत की ज्ञान भरी बातें सुनकर राजा की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसने उसी दिन से अपने पाप कर्मों को त्याग दिया और सत्कर्म करने आरंभ कर दिए। उसने अपने राज्य में जगह जगह वृक्ष और कुएं खुदवाए। वह भूखों और गरीबों को हर रोज भोजन करवाने लगा। एक दिन अचानक ही राजा बीमार पड़ गया। एक तरफ राजा मृत्युशैया पर लेटा था तो दूसरी तरफ राजा के जवान पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु का दुख राजा सहन नहीं कर सका और उसकी हालत पागलों सी हो गई। वह अपने कक्ष में बंद होकर आंसू बहाता रहता। उसने अपने राज्य के सभी काम त्याग दिए और वह एक गहरे दुख के सागर में डूब गया। राजकुमार की मृत्यु का समाचार उस संत के कानों तक भी पहुंचा और वह राजा से मिलने उसके महल में आया। संत को देखकर राजा ने उसे प्रणाम किया और रोते हुए पूछने लगा, हे महात्मन, जैसा कि आपने कहा था, मैंने सभी पाप कर्मों को त्याग दिया था और मैं सत्कर्म करने लगा था। मैं तो लोगों की मदद कर रहा था, दान पुण्य भी कर रहा था, फिर भला मुझे भगवान ने किस बात की सजा दी है? मैंने तो सुना था कि पुण्य करने से पिछले पाप कर्मों का बोझ कम हो जाता है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब संत ने बहुत ही मधुर वाणी में उत्तर दिया, हे राजन, याद करो, मैंने तुमसे यह भी कहा था कि मनुष्य को अपने पाप और पुण्य कर्मों का फल एक दिन भोगना ही पड़ता है। यह दुख तुम्हें तुम्हारे अपने ही पाप कर्मों के कारण मिला है, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। संत की बातें सुनकर राजा थोड़ा क्रोध में आकर बोला, इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने व्यर्थ में ही अच्छे कर्म किए। यदि मुझे दुख ही भोगना था तो फिर मेरे उन अच्छे कर्मों का क्या लाभ? यह सुनकर संत ने उत्तर दिया, हे राजन, आपने अपने जीवन में जो भी कर्म किए उनका फल आपको एक दिन अवश्य मिलेगा। आज आप अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे हो, लेकिन भविष्य में आप अपने पुण्य कर्मों का फल भी अवश्य भोगोगे। इस पर राजा ने कहा, तो क्या हमारे पाप कर्मों के बोझ को कम करने का कोई उपाय नहीं है? तब संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मनुष्य के पाप कर्मों को काटने का उपाय है राजन, और वो है भक्ति का मार्ग। यदि मनुष्य अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देता है तो उसके पिछले पाप कर्म कटने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
सर्व धर्माना परित्यज्य मामिकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थार्थ हे मानव, संपूर्ण धर्मों को त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वथा परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे राजन, इसके अतिरिक्त अपने पाप कर्मों को काटने का एक उपाय और है, और वो है प्रायश्चित। शास्त्रों में यह वर्णित है कि जो व्यक्ति समय रहते अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, उसे अपने जीवन में इन पापों के दुष्प्रभावों को भोगना नहीं पड़ता है। हिंदू धर्म में मूल रूप से पापों की क्षमा भगवान शिव और वरुण देव से मांगी जाती है, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार इनके पास ही है। महाशिव पुराण में भी यह वर्णित है कि जो मनुष्य ईश्वर के समक्ष सच्चे हृदय से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है तथा ईश्वर की भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वह अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर संत मौन हो गए। संत के ज्ञान भरे वचनों को सुनकर राजा की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। आज उसे एक बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, अब तो राजा के जीवन का मार्ग ही बदल गया। उसने अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों। जाने अनजाने हमारे द्वारा कई गलतियां, पाप और अपराध हो ही जाते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और वेद शास्त्रों के अनुसार यदि हम पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तथा सच्चे हृदय से अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे पाप कर्म कटने लगते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्र जाप से भी पिछले पाप कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। यदि आप मंत्रों के प्रभाव के विषय में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मैं मंत्रों के प्रभाव पर वीडियो अवश्य बनाऊंगी। धन्यवाद। जय माता दी। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।